मुजफ्फरनगर हाल ही में संपन्न हुई लोकसभा के आम चुनाव में आजाद समाज पार्टी का श्रीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण ने लोकसभा सीट नगीना से लगभग 1,50,000 मत के अंतर से अपने प्रतिद्वंदियों पर जीत हासिल की है। जनपद मुजफ्फरनगर में स्थित कुकड़ा चौक पर आजाद समाज पार्टी का श्रीराम के जिला अध्यक्ष बबलू चौधरी के नेतृत्व में जिला पदाधिकारी द्वारा एकत्रित होकर ढोल नगाड़ों के साथ आजाद समाज पार्टी का श्रीराम जिंदाबाद चंद्रशेखर जिंदाबाद के नारे लगाते हुए लड्डुओं का मिष्ठान वितरित कर खुशी मनाई गई। मिष्ठान वितरण कर आजाद समाज पार्टी का श्रीराम के जिला अध्यक्ष बबलू चौधरी ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा, चंद्रशेखर भाई द्वारा आजाद समाज पार्टी का श्रीराम को बड़े ही संवैधानिक लोकतांत्रिक रूप से चलाया जा रहा है। गरीब पीड़ितों की आवाज उठाकर उन्हें न्याय दिलाने का कार्य कर रहे हैं। नगीना सीट पर आजाद समाज पार्टी की भारी जीत हुई है। बबलू चौधरी द्वारा सभी को आजाद समाज पार्टी का श्रीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर की विजय होने पर शुभकामनाएं बधाई दी गई हैं। उपस्थित रहे जगदीश पाल, मंडल महासचिव दीपक राणा, प्रदेश सचिव नरेंद्र पाल, फौजी कार्यालय, जिला अध्यक्ष भीम आर्मी आदि पदाधिकारीगण मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी न्यूज, उत्तर प्रदेश। लड्डू बांट जा रहे हैं एमपी साहब की खुशी में, क्यों और क्या लग रहा है आपको? एमपी साहब जो है गठबंधन में जाएंगे या एनडीए के साथ जाएंगे? भाई देखो, सबसे बड़ी तो बात बहुत खुशी का दिन है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को एक बड़ी कामयाबी मिली है और पार्टी को एक दिशा मिली है काम करने की गरीब और वंचित समाज के लोगों के लिए। रही बात गठबंधन में जाने की, तो वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अपना निर्णय होगा और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निर्णय लेंगे, हम सब पार्टी के कार्यकर्ता सदस्य जो भी हैं हम सब उनका सम्मान करेंगे। देखिए, इंडिया के साथ अब तक चुनाव लड़ा, विधानसभा भी लड़ी थी, उसके बाद अकेला छोड़ दिया गया था चंद्रशेखर, क्या कमजोर समझा पार्टी ने या क्या मामला था? देखो, चंद्रशेखर भाई अगर कमजोर होते तो उनको साथ ले जाता। समस्या यह है लोगों की, चंद्रशेखर जी एक विचार है जो मान्यवर काशीराम साहब का अधूरा रह गया था सपना, जिसको पूरा करने के लिए चंद्रशेखर जी रात दिन लगे हुए हैं, तो एक तूफान की तरह है और उस तूफान को रोकने के लिए सब लोग काम करते हैं, क्योंकि चंद्रशेखर एक विचार बन चुके हैं और जनता उनसे बड़ा प्यार करती है और जनता ने दिखा भी दिया। नगीना की क्या, पूरे भारत की जनता का आशीर्वाद हमें मिला और सबका सहयोग रहा, हम सबका धन्यवाद करते हैं। पार्टी को बड़ी जीत दिलाई है, यह जनता का प्यार है, तो आप देख सकते हैं कि गठबंधन भी नहीं हुआ उसके बावजूद जनता ने हमें भारी मतों से विजयी बनाया, तो ये क्या है? ये एक आगाज है गरीब लोगों के लिए कि जो गरीब लोगों का शोषण करते हैं उनकी आवाज़ उठाने का एक जो है ना जरिया बनेगा चंद्रशेखर आजाद जी। सब प्रदर्शन के साथ बड़े बड़े दिग्गज नेता प्रचार वोट से बिल को उठ के बिल करने के लिए आए, लेकिन चंद्रशेखर अकेले थे, एक बड़ी चुनौती थी लेकिन फिर बड़ी जीत हासिल हुई है। देखो, कितना समय हो गया सड़कों पर संघर्ष करते हुए भैया जी को, और लोगों का प्यार इतना मिल रहा, कहीं किसी भी तरह की समस्या हो चंद्रशेखर आजाद जी सबसे पहले पहुँचते हैं, यहाँ तक कि पुलिस से पहले भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी लोगों की समस्या सुनने के लिए पहले पहुँचती है। तो जनता है भाई, जनता का प्यार है और जनता ने सहयोग किया, हम जनता का धन्यवाद करते हैं, सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद है और आगे भी हम सेवा करेंगे और भारत का नक्शा ही बदल देंगे, क्योंकि इन्होंने जो बागट बिंदों ने, जो भाजपा की सरकार है, इन्होंने जो ध्रुवीकरण की राजनीति कर रखी, हम पूरे भारत को एकजुट करेंगे और लोगों को जो है ना, देखो क्या होता है, सबसे बड़ी समस्या, क्या है? सबसे बड़ी समस्या भारत में से रोजगार की, और रोजगार का मतलब हम रोजगार का नक्शा पलटना चाहते हैं, भारत का मतलब यह है भारत के जो निवासी है उनकी किस्मत बदलना चाहते हैं, नक्शे का मतलब यही है कि हम लोग उनकी तकदीर, पार्टी के जरिए उनकी नौकरी, उनके घरों में कारोबार, रोजगार, बीमारी ना हो, चिकित्सा, शिक्षा, इन पर ध्यान दिया जाएगा पार्टी का, तो भारत की तस्वीर बदलेगी। नगीना धामपुर की, नगीना धामपुर जनता के से हमारे माध्यम से क्या क्या धन्यवाद करना चाहोगे? क्या हम नगीना की क्या पूरी जनता को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं, आप लोगों ने इतना प्यार चंद्रशेखर भाई को दिखाया है कि हम आपका एहसान कभी नहीं चुका पाएंगे और सेवक बन के हमेशा पार्टी आपके लिए काम करेगी, रात दिन हर एक कार्यकर्ता, हर एक पदाधिकारी आपकी सेवा में रात दिन खड़ा रहेगा, कहीं कोई समस्या अगर होगी किसी जनता के, किसी कार्यकर्ता को या किसी भी नागरिक को, तो भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी सबसे पहले उसको दुख दूर करने का काम करेगी, यही हमारा काम है। ठीक है।